अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ मैंगो शेक और कच्चे आम के शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सबसे पहले हमारे मैंगो शेक के हैं, जिसमें मैंने ये दो आम ले लिए हैं और इसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने 2 गिलास दूध के ले लिए हैं। और ये हमारे कच्चे आम के जूस के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर ये 2 कच्चे आम ले लिए, इनको मैंने छील लिया। 1 टीस्पून काला नमक ले लिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया फ्रेश, और 5 टेबल स्पून चीनी ले लिया, और यहाँ पर मैंने इनके लिए आइस ले लिया। तो अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जो रेसिपी को शुरू करते हैं, सबसे पहले जो हमारे कच्चे आम हैं इनको हमने छील तो लिया, अब इनको कट भी कर लेते हैं। तो इन्हें रफली इस तरह से कट कर लेते हैं। तो जो हमने कट कर लिए हैं, ये जो बड़े से पीसेस हैं इनको हम छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा शरबत है उसमें अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। इस तरीके से सारे कर लेते हैं, और अगर बीच में कोई ऐसे आ जाए तो उसको हम रिमूव कर देंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे जिस तरीके से ये है। तो ये निकाल लेते हैं, तो कट हो गए हैं। अब बस हम अपने शरबत को रेडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये मैंने जग ले लिया, इसमें हम सबसे पहले अपने जो कच्चे आम कट किए हैं वो ऐड कर लेते हैं। और इसमें चीनी ऐड कर लेंगे, पुदीना, काला नमक, और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। तो बस अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं, और बर्फ़ हम इसमें पहले अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, फिर हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। तो बस अब हम ब्लेंड कर लेते हैं, फिर अपनी रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, हमारा कच्चे आम का शरबत रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से अब हम जो दूसरा हमारा मैंगो शेक है वो भी बना लेते हैं। तो ये मैंने जग ले लिया, अब हम मैंगो शेक बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर आम कट कर लिए हैं, तो ये ऐड कर देते हैं इसमें सारे। तो मैंगोज ऐड कर लिए हैं, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, और ये जो हमने दूध लिया वो भी ऐड कर लेते हैं। तो दूध भी ऐड कर दिया, अब यहाँ पर बर्फ ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। और बस अब सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो कच्चे आम का शरबत है वो भी रेडी हो चुका है, और मैंगो मिल्क शेक भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इन्हें ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास में आइस क्यूब्स ऐड कर लेंगे। और अब ये जो हमारे कच्चे आम का शरबत है वो ऐड कर देते हैं इसमें। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर अभी तक आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, आप गर्मियों में इसे ज़रूर ट्राई करें, गर्मी से बचें। तो ये देखें, ये हमारा हो गया रेडी, और ये इस तरीके से हम यहाँ पर पुदीने का पत्ता रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। और अब इसको साइड पर कर देते हैं, और अब जो हमारा मैंगो शेक है वो सर्व कर लेते हैं। ये भी देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी लग रहा है। तो देखें माशाल्लाह से हमारे
दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो रेडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोनों को, और पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक भी दें, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मुझे तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, मैं इनको बस इन्जॉय करती हूँ, पीती हूँ ठंडा ठंडा। तो आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।